अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेके आई हूं, जो कि है स्किन वाइटिंग, स्किन की झुर्रियां ख़त्म करने के लिए आमले की क्रीम एंड मास्क बनाने जा रही हूं। ये बहुत ही अमेजिंग है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन के कलर को फेयर करेगा, बल्कि आपकी स्किन की झुर्रियां भी ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने आमले ले लेने हैं, ठीक है। इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपने दरमियान में से कट कर लेना है और आपने क्या करना है, इसका हल्का सा आप चुस्ट करेंगे तो ईज़िली आराम से ये इसकी जो गुठली होगी वो निकल आएगी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इस तरीके से इसे काट लेना है। जी फ्रेंड्स, अब मैंने इसे काट लिया है। अब आपने इसे क्या करना है, ब्लेंडर कर लेना है और इसका हमने रस निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ब्लेंड कर लिया था और इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके उस फिर आपने ब्लेंड करना है, क्योंकि ये खाली अगर आप ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंड नहीं होगा। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर के ज़रिए भी जूस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसे छान लेना है। जी फ्रेंड्स, मैंने छान लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो रस है वो निकल आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब आमले लिए थे, ठीक है। आपने भी इतने ही ले लेने हैं। बहुत ही अमेजिंग सा ये आमले का रस निकल आया है। आमले जो है वो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बल्कि आपके हेयर के लिए भी बहुत ही अमेजिंग है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आमले के साथ हेयर की होम रेमेडी भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इस रस में आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। कॉर्नफ्लोर ले लेंगे आप, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पैन में जो रस था वो मैंने डाल के कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ है। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हल्की स्पीड पे आपने इसे बनाना है। बिल्कुल भी आपने तेज़ आंच नहीं करनी। अगर तेज़ स्पीड करेंगे तो उससे ये होगा कि बिल्कुल थिक हो जाएगा और क्रीम जो है वो आपकी बेकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल हल्की स्पीड पे बनाना है और आपने चम्मच चलाते रहना है। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। आप देख रहे हैं कि साथ साथ मैं चम्मच चला रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रीम जो है वो रेडी हो रही है और बिल्कुल गाढ़ी, यानी कि आपने थिक बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आपने इसे लेके आना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये जो इसका टेक्सचर है वो हो चुका है। और इसी तरीके से आपने इसे गाढ़ा कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसे आपने चूल्हे से उतार कर आपने बॉल में डाल के इसे ठंडा कर लेना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने एक बॉल में इसे डाल लिया है। कोई भी आपके पास एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो आपने इसे सेव कर लेना है। अब सबसे पहले आपने इसे ठंडा कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड ऑयल, ठीक है। आलमंड ऑयल इसमें मिक्स कर दूंगी और ये बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त सी आपके पास ये क्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। 1 टेबलस्पून इसमें आलमंड ऑयल आपने ऐड कर देना है और आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने इस क्रीम का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, रात के वक्त आपने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेना है और आपने बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपने क्रीम ले लेनी है, ठीक है। अपने फेस पे आप लगाएं, आपको देखना इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट मिलेंगे 1 वीक में। तो आप देखेंगे आपकी स्किन स्मूथ, सॉफ्ट, वाइटिंग, झुर्रियाँ आपकी ऐसे ऐसा गायब होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मास्क बनाना बता रही हूँ इसी क्रीम के साथ। सबसे पहले आपने पपाया ले लेना है, जिसे हम पपीता भी बोलते हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून जितना आपने ले लेना है। तो इसके बाद हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हमने ये जो क्रीम रेडी की थी वो वाली हमने गोसबेरी की ले लेनी है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी हनी, 1 टीस्पून हनी ले लेना है आपने। अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आपके पास मास्क जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप देखें, क्रीम भी यूज़ करें इंशाल्लाह ताला और ये मास्क भी यूज़ करें इंशाल्लाह, आप खुद देखेंगे इसके कितने ही ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो खुद मेरे साथ रिज़ल्ट जो है वो शेयर करेंगे आप इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें और इसे अप्लाई कर लेना है। अच्छे से अप्लाई कर लें अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने हैंड पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं
और तकरीबन आपने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 15 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकती हैं 15 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत सही आपको अपनी स्किन फील होगी इंशाल्लाह ताला, और आपको ऐसे सॉफ्ट नरम मुलायम सी आपकी स्किन नज़र आएगी इंशाल्लाह, और स्किन वाइटिंग भी होगी। तो फ्रेंड्स, आपने वीक में इस मास्क का इस्तेमाल दो बार करना है, और क्रीम आप डेली यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट, बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। चले फ्रेंड्स, अब मैं जाना चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब